你以前他见过的 Tupa Bu how last time？ 我觉得一个半小时。Muslim restaurant 是，यहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे लिखा हुआ ये चिंजन हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट वगैरह है जो हमारे क्लासेस वगैरह होते हैं वो CSF सुपरमार्केट है तो हम इलेक्ट्रिक कार होते हैं उनके चार्जर आप अपनी मतलब अगर इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे आके चार्ज पे लगा सकते हैं तो ये मैंने कार्ड लिया हुआ है तो आप तो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी मतलब टाइम नहीं था चल झूठा तो हमारा मतलब एग्जाम चल रहा था वो एग्जाम फिनिश हो चुका है अभी तो अभी मतलब छुट्टियां हैं दो महीने के लिए तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा तो आज मेरे बाल जरा बढ़ गए हैं ना बहुत टाइम से कटिंग नहीं कराई है तो आज मैं जा रहा हूँ बाल कट करने के लिए तो आप लोगों को दिखाता हूँ तो हमारे साथ रहिए ठीक है तो साहब ये मैं नीचे जा रहा हूँ ठीक है तो आपका व्यू दिखाता हूँ बाहर का ये जो है हमारे अपार्टमेंट के बाहर का व्यू है ये गाड़ी वगैरह खड़ी होती है ये देखें बाहर जो है बहुत सर्दी है अपार्टमेंट के अंदर मतलब जब आप जाओगे तो वहाँ पर मतलब इतनी सर्दी नहीं है लेकिन बाहर जो है आज जो है -22 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर भी मौसम नॉर्मल है लेकिन -22 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर तो मतलब बहुत सर्दी है ये हमारे कम्युनिटी का मेन गेट है अच्छा ना मैं एक ये बात है कि आपको पीने का जो साफ पानी होता है वो फ्री नहीं मिलता तो ये कम्युनिटी के गेट के साथ जो है पानी का मशीन है तो आप मतलब हम यहाँ पे आके यहाँ पे कॉइन भी डाल सकते हैं यहाँ पे कॉइन डाल के मतलब आप पानी ले सकते हैं या ये QR कोड लगा होता है ना इसको स्कैन करके मतलब इसको पैसे भेज के पानी ले सकते हैं तो पीने का पानी जो है आपको कहीं भी मतलब फ्री नहीं मिलेगी तो हम पानी यहाँ से लेके जाते हैं बेकारी नहीं है अपन बहुत पैसे अपने पास ये सामने जो है ये CSF सुपरमार्केट है तो हम जो भी मतलब खाना वगैरह का सामान हो गया और कोई चीज़ वगैरह हो गई तो हम यही से लेते हैं प्राइस इसकी अच्छी होती है ये नीचे है ये चीज़ लगाई हुई है ताकि ये बाहर का जो ठंडी हवा है ना ये अंदर न चले जाए तो अंदर का माहौल मतलब बहुत गर्म होता है अंदर ये ब्रिज है ठीक है और ये सामने जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट वगैरह है जो हमारे क्लासेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे है और ये पीछे जो है ये सारी यूनिवर्सिटी है वहाँ तक ये ब्रिज जो है ना इसको हम ने जो है पुलिसरात का नाम दिया है क्योंकि इस पे ना इतनी मतलब तेज़ हवा चलती है इतनी ठंडी हवा चलती है ना इस पे तो इसको हमने पुलिसरात का नाम दिया है और ये यूनिवर्सिटी के सामने ये दो हॉस्पिटल है ठीक है और साथ ही बिल्डिंग वगैरह ये यूनिवर्सिटी की फ्रंट व्यू है आप देख सकते हैं तो ये मेरे 3-4 मिनट भी नहीं हुए हैं और मेरा बाल जो है ये फ्रीज हो चुकी है आप देख सकते हो ये मुकम्मल फ्रीज है अब जो है यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है ये जो चार्जर लगे होते हैं ना ये जो इलेक्ट्रिक कार होते हैं उनके चार्जर आप अपने मतलब अगर इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे आके चार्ज पे लगा सकते हैं तो ये बहुत सारे चार्जर लगे हुए हैं आप चार्ज पे लगा सकते हैं ठीक है आप ठीक है तो अब मैं पहुँच चुका हूँ ठीक है ये एक जो है ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है यहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे लिखा हुआ ये सिंजन तो यहाँ पे मतलब हलाल खाने मिलते हैं तो जब हम पहले आए थे तो हम भी मतलब यहाँ से खाते थे अब तो हमारा सिस्टम हो गया है हम मतलब खुद ही बनाते हैं और ये साथ में नाई की दुकान है तो यहाँ जा हेलो निहा तो ये नया दुकान है और देखिए जब बाल धोते हैं मतलब काटते हैं तो दो दफ़ा धोते हैं एक बात ये है कि ना ये लोग काट देते हैं ये मैंने काट लिया हुआ है तो आप जब ये काट लेके मतलब बाल काटते हो तो ये 15 वन काटते हैं और जब मतलब आप ऐसे काटते हो तो फिर 30 वन लेते हैं बेकारी नहीं है आप बहुत पैसे अपने पास हाँ नहीं जन था जन वो तो थू पर बू हाउ लास्ट टाइम मुझे
सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं मतलब वापस जा रहा हूँ अपार्टमेंट। तो आज की वीडियो यहाँ तक की, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।